मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे इज योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। ये आप लोगों के कोर्स बुक में ही आता है, जो आपको सॉरी कोर्स में ही आता है, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा ये आपको कॉपी में बनाना होगा। ये है व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर कैपिटल लेटर्स। बाद वाला नंबर हम लोगों को लिखना है, लेकिन वो कौन सा नंबर होगा, कौन सा लेटर्स होगा, कैपिटल लेटर्स में वो होगा। इसके पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में कैपिटल लेटर्स के बारे में, फिर बिटवीन लेटर्स भी बताया था, आज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए यहाँ कैपिटल लेटर्स बी लिखा हुआ, लेटर बी लिखा हुआ है, तो बी के बाद क्या आता है, सी। ये इंग्लिश राइटिंग वाली फोर लाइन वाली कॉपी में मैं खुद से इसको बना के रखी हूँ, जो आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो ये लेटर है बी, बी के बाद क्या आता है, सी। यहाँ कौन सा लेटर है, डी, तो डी के बाद क्या आता है, ई। देखिए ई लिखने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे और थ्री स्लिपिंग लाइन से हम लोग ई बनाएंगे। ये लेटर है एफ, इंग्लिश का कैपिटल लेटर है एफ। एफ के बाद आता है जी, जी लिखने के लिए हम लोग एक कर्व लाइन लेंगे जो सी के जैसा दिखता है। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ला के एक स्लिपिंग लाइन लेंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन से जी बनाएंगे। इस तरह से क्या बन गया, जी। यहाँ है एच, एच के बाद क्या आता है, आई। आई लिखने के लिए पहले दो स्लिपिंग लाइन लेंगे, फिर उसको एक स्टैंडिंग लाइन से इस तरह जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, आई। ये है जे, इंग्लिश का कैपिटल लेटर जे है। जे के बाद क्या आता है, के। तो पहले एक स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर दो स्लेंटिंग लाइन से हम लोग के बना लेंगे। ये है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर एल, कैपिटल लेटर एल। एल के बाद क्या आता है, एम। एम लिखने के लिए हम लोग दो स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर दो स्लेंटिंग लाइन से इसको इस तरह से जोड़ देंगे तिरछी रेखा से। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर है उसको हम लोग स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन एंड स्लेंटिंग लाइन्स के जरिए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ इंग्लिश का कैपिटल लेटर है डी, बी के बाद आता है सी। यहाँ कैपिटल लेटर है डी, डी के बाद आता है ई। यहाँ कैपिटल लेटर है एफ, एफ के बाद आता है जी। यहाँ कैपिटल लेटर है एच, एच के बाद आता है आई। यहाँ कैपिटल लेटर जे है, जे के बाद आता है के। यहाँ है कैपिटल लेटर एल, एल के बाद आता है एम। तो अभी आप लोगों को इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर ए से लेके एन तक ही पढ़ना है, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। तो व्हाट कम्स आफ्टर कैपिटल लेटर्स में आज आप लोगों ने आफ्टर लेटर पढ़ा बी से लेके एम तक। इसके लास्ट क्लास में भी मैं एस ए से लेके एन तक आप लोगों को आफ्टर लेटर बता चुकी हूँ, आज फिर रिपीट कर की हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय। इसको घर में अपने से बड़ों की मदद से बनाएंगे और होमवर्क करके सबमिट करेंगे।